फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स यदि आप दिल्ली में किसी भी तरह का व्हीकल यूज़ करते हैं तो आपको एक रेगुलर इंटरवल पे अपने गाड़ी का पोल्यूशन चेक कराना होता है, और यदि आपकी गाड़ी पोल्यूशन चेक में पास हो जाती है तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है जिसको कि पोल्यूशन सर्टिफिकेट बोलते हैं, जिसको कि हम PUC भी बोलते हैं। उस पोल्यूशन सर्टिफिकेट को हम PUC भी बोलते हैं। फ्रेंड्स दिल्ली में PUC एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। यदि आप विदाउट PUC पकड़े जाते हैं दिल्ली में तो आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इसलिए दिल्ली में PUC एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। यदि आप नेक्स्ट 1 या 1.5 मंथ में अपना PUC कराने जा रहे हैं, अगले 1.5 महीने में यदि आपको अपना PUC बनवाना है, आपका PUC एक्सपायर हो रहा है और आप उसको रिन्यू कराने जाते हैं या फिर अपना नया PUC बनवाने जाते हैं, तो आपको उसके लिए लगभग 50% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, PUC के रेट बढ़ने वाले हैं और अगले 1-1.5 महीने में आपको 50% तक बढ़े हुए रेट नज़र आएंगे। फ्रेंड्स पूरी दिल्ली में 953 के आसपास पोल्यूशन चेकिंग सेंटर्स हैं, और दिल्ली में पोल्यूशन के जो रेट्स हैं, यानी कि जो अभी जो करंट रेट लगते हैं, वह पिछले 11 सालों से नहीं बढ़े हैं। पिछले 11 साल से दिल्ली में पोल्यूशन जाँच का जो रेट है वह फिक्स है, उसमें किसी भी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। और पिछले 11 सालों से इन रेट्स को इंटैक्ट रहने के कारण अब इन पोल्यूशन सेंटर्स को चलाना मुश्किल हो रहा है, बिकॉज इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी होती है, इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी होती है। और जैसे कि आपको पता ही है कि पेट्रोल पंप पे पोल्यूशन सेंटर्स लगे रहते हैं, तो पेट्रोल पंप वाले उनसे 10,000 रुपये तक किराया भी लेते हैं, जिस कारण से अब इन पोल्यूशन सेंटर्स को चलाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया है कि अब पोल्यूशन की कीमत जो है बढ़ाई जाए, यानी जो PUC आपको मिलता है उसकी कॉस्ट बढ़ाई जाए, जिसके लिए दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक कमेटी गठित की है, यानी कि पोल्यूशन का रेट क्या फिक्स किया जाए, इसे इवेल्युएट करने के लिए एक कमेटी बनाई है, और जल्दी कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी और आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर अंदर आपको पोल्यूशन के बढ़े हुए रेट देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स यदि आपके पास दिल्ली में किसी भी तरह का व्हीकल हो, चाहे वो पेट्रोल व्हीकल हो, चाहे वो डीजल व्हीकल हो या फिर CNG व्हीकल हो, आपको हर टाइप के व्हीकल के पोल्यूशन जो जांच होती है वह अगले 1-1.5 महीने में बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। बाकी जो बैटरी वाले व्हीकल्स हैं उन पे तो पोल्यूशन होता ही नहीं है, उनमें PUC की ज़रूरत ही नहीं है। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।